तो पर्सनैलिटी टाइप इज नेचर पार्ट ऑफ अवर पर्सनैलिटी और नेचर प्लस नर्चर मिलके हमारी पर्सनैलिटी बनती है। इसीलिए लोग कंफ्यूज हैं कि पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी टाइप क्या एक ही चीज है। एग्जैक्टली नो, बिल्कुल एक चीज नहीं है। पर्सनैलिटी टाइप्स 16 तरह की हैं। पर्सनैलिटी टाइप चेंज नहीं होती जबकि शख्सियत हर लम्हे तब्दील हो सकती है। बिल्कुल, ये बहुत बुनियादी सा फर्क है जो हर इंसान को समझना चाहिए और इसको समझे बगैर हम पर्सनैलिटी टाइप के इल्म से फायदा नहीं उठा सकते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपके होस्ट माफिया मलिक, हम और आप विद PNY की एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं, IT से रिलेटेड डिफरेंट लाइफ स्किल्स सिखाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी ग्रूम कर सके। हमारा ये जो शो है, इस शो का मोटिव है हम आप तक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुँचा सकें जो आपको फ़ायदा दे सके और जिससे आप अपनी लाइफ में एक वैल्यू एड कर सके। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे शो में हम कभी बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, कभी हम बात करते हैं IT से रिलेटेड, तो कभी HR या कभी हेल्थ से रिलेटेड। आज का हमारा जो टॉपिक है और आज की जो हमारी डिस्कशन है वो बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही दिलचस्प है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की बातें हम करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। डॉक्टर मोहम्मद कमरुल हसन साहब, सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ सर को। अस्सलाम वालेकुम सर। सो ग्लैड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर आपके वक्त के लिए। सर, माशाल्लाह से एक बड़ा डिफरेंट पाकिस्तान में आप डाइवर्सिटी पे काम कर रहे हैं, पर्सनैलिटी टाइप्स पे। इस पर बहुत, मेरा ख्याल है, काम ही नहीं है। मतलब बहुत से लोग अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत बात करते हैं, लेकिन माशाल्लाह आप इसमें एक्सपर्ट हैं। डिफरेंट टाइप्स के हवाले से आप लोगों को गाइड करते हैं किस तरह से हम अपनी टाइप के बारे में जान सकते हैं और उसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सर बहुत शुक्रिया, आप स्पेशली कराची से लाहौर आए हुए थे तो हमने कहा बस हम आपसे एक ज़बरदस्त सा सेशन करते हैं ताकि लोगों को इससे फ़ायदा हो सके, हमें उससे फ़ायदा हो सके। सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ, हमें, हमारी जो ऑडियंस हैं, हमें आइडिया नहीं होता ये पर्सनैलिटी ट्रेट या पर्सनैलिटी टाइप होती क्या है। हमारे बहुत से लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हैं। हमारे अकॉर्डिंग हमारा मूड ख़राब हो रहा है वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, हमें गुस्सा आ रहा है हमारी वो पर्सनैलिटी है। तो मैं चाहती हूँ आप हमें सबसे पहले थोड़ा सा गाइड करें, ये पर्सनैलिटी टाइप होती क्या है, क्या किस नौयत की ये? बहुत ही आपका पर्टिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल क्वेश्चन है कि पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी टाइप का क्या रिश्ता है। देखिए, पर्सनैलिटी एक कंस्ट्रक्ट है। पर्सनैलिटी शख्सियत को कहते हैं और पर्सनैलिटी जो है वो फितरत और तरबियत से बनती है, नेचर एंड नर्चर। पर्सनैलिटी टाइप जो है ये नेचर का जो कंपोनेंट है उसको एक्सप्लेन करती है। तो पर्सनैलिटी टाइप इज नेचर पार्ट ऑफ अवर पर्सनैलिटी और नेचर प्लस नर्चर मिलके हमारी पर्सनैलिटी बनती है। इसीलिए लोग कंफ्यूज हैं कि पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी टाइप क्या एक ही चीज़ है। एग्जैक्टली नो, बिल्कुल एक चीज़ नहीं है। पर्सनैलिटी टाइप्स 16 तरह की हैं और हर शख्स की एक पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी टाइप चेंज नहीं होती जबकि शख्सियत हर लम्हे तब्दील हो सकती है। बिल्कुल, तो ये बहुत बुनियादी सा फ़र्क है जो हर इंसान को समझना चाहिए और इसको समझे बगैर हम पर्सनैलिटी टाइप के इल्म से फ़ायदा नहीं उठा सकते। लेकिन दुख की बात है कि अभी हमारे इवन काफ़ी प्रोफेशनल्स भी कंफ्यूज हैं इसमें। बिल्कुल, और वो बहुत सारी चीज़ को टाइप समझ लेते हैं और बहुत सारी चीज़ को पर्सनैलिटी समझ लेते हैं। तो पर्सनैलिटी टाइप बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि टाइप के डोमेन में आती हैं, और तरबियत जब इंसान की टाइप और तरबियत मिलते हैं तो शख्सियत बनती है, और फिर शख्सियत में फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो भी इंसान के ट्रेट्स होते हैं। ट्रेट्स जो हैं वो शख्सियत को एक्सप्लेन करती हैं, टाइप को एक्सप्लेन नहीं करती। टाइप में ट्रेट का वर्ड है ही नहीं। टाइप जो है वो इननेट कैपेसिटीज डीकोड करती है। इननेट कैपेबिलिटीज हमें पता, जैसे फर्स्ट करें मैं आपके सामने आम की बीज रखूं और मैं बताऊं कि इसमें क्या क्या छुपा हुआ है, तो आप कहेंगी इसके अंदर तो हजारों आम छुपे हुए हैं। कि जब इस आम की बीज को बोया जाएगा और आम के तरीके से इसकी बागबानी होगी तो इसमें से एक पौधा निकलेगा जो कि उसमें हजारों आम आएंगे।
लेकिन आप ये नहीं कहेंगी कि इसके अंदर कीनू आएगा, इसके अंदर सेब आएगा, नहीं, क्योंकि ये आम का बीज है तो इससे आम निकलेगा। इसी तरह से हर मेरी एक टाइप है, तो मेरी टाइप जान के आप मेरी कैपेसिटीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो टाइप इतनी जबरदस्त चीज है कि अगर हमें किसी की भी टाइप पता हो, अपनी या किसी की, तो हम उसके पोटेंशियल टैलेंट्स, पोटेंशियल कैपेसिटीज, पोटेंशियल गिफ्ट्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये एक यानी बहुत ही तबाहकुन बात है कि अगर हमें अपने गिफ्ट्स पता चल जाए तो हम सिर्फ उनको अगर डेवलप कर लें तो हम बहुत जल्दी एक बहुत कामयाब इंसान और बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी अपनी बना सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब हम अपने आप को पहचाने बगैर अपनी डेवलपमेंट करते हैं तो जो चीज़ होती है वो तो डेवलप हो नहीं पाती, और फिर हम कुछ और चीज़ें दूसरों को देखा देखी डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो आधा तीतर आधा बटेर हो जाता है। तो हम एक जनरलिस्ट माशरा क्रिएट कर रहे हैं, हमारे पास एक्सेलेंस ड्रिवन लोग कम हैं, यानी आउटलायर्स कम हैं, और एक्सेप्शनल यानी बहुत कामयाब लोग बहुत कम हैं। तो टाइप को समझ के हम हर शख्स को बहुत कामयाब बना सर। यहाँ आपने एक बात की कि हम लोग अपने आप को तो जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, लेकिन हम दूसरों को देखते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है किसी की कोई आदत हमें बहुत अच्छी लगती है, हम उसे अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं, हालांकि हमारी वो कैपेसिटी नहीं है। तो सर ये क्या सिनेरियो होता है, क्यों हम दूसरों को देख के अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं? बहुत जबरदस्त बात है। देखिए मसला ये होता है कि हम देखते हैं माशरे में किस चीज़ की तारीफें हो रही हैं, किस चीज़ को रिकॉग्नि एंड एप्रिसिएशन मिल रही है। हम चाहते हैं ये चीज़ हम भी सीख लें तो हमारी भी तारीफें शुरू हो जाएंगी। यानी ये एक बहुत ही ख़तरनाक टेंडेंसी है जो कि एक डिफेंसिव मैं समझता हूँ एक 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 रिएक्शन है। होना ये चाहिए कि हम अपने गिफ्ट्स को डिस्कवर करें और उनमें एक्सेप्ट उनको डिस्कवर करके उनको डिवेलप करें ताकि हम अपने देखिए अल्लाह ने इंसान को बनाया है, हर आदमी एक्सेप्शनल है, हर टाइप बहुत हसीन है, बहुत हसीन। अब देखें ना एधी को हम किसी से कम नहीं कह सकते, यानी हम डॉक्टर अब्दुल कदीर को किसी से कम नहीं कह सकते, यानी दोनों बहुत फर्क हैं, है ना। इस तरह हर 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 फील्ड में एक्सेप्शनल लोगों की माशरे में ज़रूरत है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी कैपेसिटी को अपने टाइप के थ्रू डिस्कवर करें और हम उसमें एक्सेप्शनल बने, ना कि हम दूसरों को देखा देखी हम उनको उसमें बहुत खतरा है। 80-90% पीपुल एंड अप इन बिकमिंग अ जनरलिस्ट, वो एक्सेप्शनल हो ही नहीं पाते। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हम अपने आप को उस तरह से एक्सप्लोर नहीं करते हैं। तो सर ये क्या हम लोग किस तरह से, अगर आपने बात की जो पर्सनालिटी टाइप है वो इननेट है, वो आपके अंदर कुदरती तौर पे मौजूद होती हैं, तो हम वक्त के साथ साथ उन्हें फिर किस तरह से एक्सप्लोर करते हैं कि हमने अपने ट्रैक पर ही रहकर चलना है, ना कि दूसरों के ट्रैक पर जाके उन्हें फॉलो करना है। हम अपने ट्रैक पर करेंगे तो हम अपने आप को एक नई पर्सनालिटी और एक नया अपना सिग्नेचर छोड़ के जा सकते हैं। उस ट्रैक पर हम कैसे चल सकते हैं? उसके लिए बड़ा आसान है कि एक तो ये कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स के साथ भी काम करें कि बच्चों को बहुत अर्ली स्टेज में बिफोर इवन गोइंग टू स्कूल उनकी टाइप्स पता हों, ताकि सेल्फ इस्टीम उनकी जो है वो मैक्सिमम बिल्ड हो सके और उनकी पेरेंटिंग जो है वो नेगेटिव पेरेंटिंग ना हो। पेरेंट्स बच्चों को समझ के डेवलप करें, उसके बाद हम टीचर्स के साथ काम कर रहे हैं कि जब बच्चे स्कूल जाएँ तो टीचर्स उनको उनकी टाइप को समझ के उनको डेवलप करें। उसके बाद फिर हम काफ़ी वीडियोस यानी कुछ बना लिए हैं, कुछ बना रहे हैं, ताकि उन वीडियोस को देख के जिन जो लोग प्रोफेशनल लाइफ में आ गए हैं और उनको अपनी टाइप नहीं पता है, तो वो अपनी टाइप को जान करके अपनी अपनी ज़िंदगी को आसान करें। देखें इंसान की खुशी पहले आएगी, कामयाबी बाद में आएगी। तो हम अपनी खुशियों को तो आसान करें। देखें मछली है वो पानी में तैर के ही खुश हो सकती है, तो हमने तो अपनी खुशियां मुश्किल बना ली हैं, तो कामयाबी तो बहुत आगे की चीज़ है। तो हम तो कंपटीशन में भी बहुत कंपटीशन में है ही नहीं कि हमें अपनी खुशियों का ही नहीं पता। तो टाइप जान के पहला ये इंसान में फीलिंग आती है कि भाई मैं भी एक
नॉर्मल इंसान हूँ, दूसरों को देख के तो मैं अपने आप को कुछ और ही समझ रहा था। उसके बाद फिर अपनी सलाहियतों को हम पहचाने और फिर पहचान के बाद उनको डिवेलप करें उनमें। देखिए मछली अगर तैरने में महारत हासिल करना चाहेगी तो उसके लिए बहुत आसान है, लेकिन मछली चाहे कि मैं बंदर से मुकाबला करूं दरख्तों पे चढ़ने का, वो तो शायद बगैर पानी के रह भी ना सके, है ना। तो हमें अगर अपनी सलाहियतों का पता चल जाए और किन किन फील्ड्स में हम बहुत आसानी से मास्टर हो सकते हैं ये शुरू में पता चल जाए, तो हम एक्सेप्शनली सक्सेसफुल लोगों का माशरा क्रिएट कर सकते हैं। और हर आदमी को अल्लाह ने बनाया ही बेहतरीन है, हर बच्चे को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा कामयाब होने के लिए बनाया। यस, और ये रियलिटी है कि कहा भी गया है कि हर इंसान के अंदर अपनी एक सलाहियत है। हाँ। अगर हम उसको थोड़ा सा प्रॉप करें, क्योंकि सर ये मॉडर्न इरा तो चल रहा है, लेकिन इस मॉडर्न इरा में भी हमने बहुत सारे, अगर हम क्लिनिकल सेटिंग की भी बात करें, लोग एक दूसरे को देख के इतना वो जेलसी फैक्टर हमारे अंदर आ चुका हुआ है कि हम दूसरों को तबाह करने की कोशिश में खुद को लेट डाउन कर लेते हैं और अपनी अपनी स्ट्रेंथ पे काम नहीं करते हैं। हम दूसरों की वीकनेसेस पकड़ते हैं और उस वीकनेस को पकड़ के हम अपने आप को ही लेट डाउन कर देते हैं। Exactly. तो ऐसे लोगों को सर आप क्या कहेंगे, किस तरह से वो अपने इस नेगेटिव पॉइंट को बेहतर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं? देखें, अब उनके लिए बहुत खुशखबरी है कि अपने आप को जानना, अपनी टाइप को पहचानना, अपने टैलेंट्स को डिस्कवर करना बहुत आसान हो गया। आप सिर्फ़ कासिम अली शाह साहब के चैनल पे चले जाएं, वहाँ पे वीडियोस देखें। अभी हमने एक वीडियो कल भी अपलोड की, एक पहले अपलोड, तो अपनी टाइप आप एक घंटे का सेशन सुन के अपनी टाइप जान सकते हैं। दैट्स ग्रेट। अपनी टाइप जाने, उसके बाद फिर मुख्तलिफ हम बुकलेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ मेरी वेबसाइट्स भी हैं, वहाँ से आप अपने बारे में पढ़ना शुरू करें। तो अपने बारे में जाने, अब वो माशाल्लाह वो वक्त नहीं है कि हमें कोई बहुत एक्सपर्ट आदमी चाहिए हो अपनी टाइप जानने के लिए। तो ये बड़ा अच्छा, यानी वी आर वेरी ग्रेटफुल टू कासिम अली शाह फाउंडेशन कि इन्होंने हमें बहुत हेल्प की, कि जो चीज़ें मेरे लिए बहुत मास लेवल पे फैलाना बहुत मुश्किल था वो माशाल्लाह बहुत आसान हो गया है। और अभी भी यानी मुझे पूरी दुनिया से कॉलें आ रही हैं कि आप हमें और गाइड करें। तो अब लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को पहचाने। और ये जो टाइप्स है ना, ये कोई मेरी या किसी की इजाद की भी नहीं है, ये इंटरनेशनल टाइप्स हैं, दुनिया भर में पहचानी जाती हैं, दुनिया भर में लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं, इन पे किताबें अवेलेबल हैं। तो इंसान अब बहुत आसान है। लेकिन सर यहाँ पे एक चीज़ ये भी आती है, हमारी सोसाइटी में इतने साइकोलॉजिस्ट भी हैं, काफ़ी एक्सपर्ट भी हैं, वो लोगों को गाइड करते हैं, लेकिन वो एक डायरेक्ट सही ट्रैक पे नहीं करते हैं। तो हमारी ऑडियंस बड़ा कंफ्यूज हो जाती है यार, वेयर वी आर गोइंग ऑन, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमने किस ट्रैक पे जाना है। ये हमारे माइंड को इतना कन्फ्यूज कर देता है कि इवन आपने भी पहले प्रैक्टिस की, उसके बाद आपने पर्सनैलिटी टाइप्स की तरफ आप एक्सपर्ट हुए, तो आपका ये रुझान सर किस तरह से आया, ये जो आपने एक डाइवर्जन की, हालांकि आप साइकेट्री में और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल पे काम काफी कर रहे थे। नहीं, बहुत ही आपकी बात दुरुस्त है। देखें, पाकिस्तान में जैसे मैंने बताया कि दुनिया में ये इल्म नया है, दुनिया में और पाकिस्तान में तो बिल्कुल नया है कि अभी मेरे अलावा मुझे कोई ऐसा एक्सपर्ट नज़र नहीं आता जो डेडिकेटेडली टाइप्स पे काम कर रहा हो और हमें कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन दे रहा। तो ये बात सही है कि एक्सपर्ट्स नहीं हैं, और जो इवन जो साइकेट्रिस्ट भी हैं वो अपनी टाइप से भी वाकिफ नहीं है, यानी इस इल्म से तो पता नहीं वो वाकिफ हैं कि नहीं, उनको अपनी टाइप भी नहीं पता, और वो उनसे पर्सनैलिटी का नाम लें तो वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की बातें शुरू कर देते। मैं कहता हूँ भाई पहले इंसानों को तो समझो, फिर इंसानों में बीमारियाँ नहीं होती इंसानों में। ये एक बहुत बड़ा एक फ्लॉ जो कि अब थोड़ा सा कम हुआ है मौजूद है कि हमारे यहाँ जो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो थेरेपिस्ट हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, वो बीमारियाँ ढूंढने में तो चैंपियन हैं जी। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि भाई आप मेरे कुछ टैलेंट्स डिस्कवर कर दें,
तो उनके अक्सर का यानी यही जवाब है कि आपके तो क्या, हम हमें अपने टैलेंट्स का नहीं पता है, हम आपके कैसे बता। ये बड़ा जरूरी है कि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं सबसे पहले वो अपनी आइडेंटिफिकेशन करें। हाँ, उन पे डबल जिम्मेदारी है कि अब वो डार्कनेस का एरा नहीं है कि अब उनको चाहिए कि वो तो सबसे पहले जाके इन टूल्स का इस्तेमाल, अगर वो मुझ तक नहीं पहुंच सकते तो वो इन टूल्स के थ्रू, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अपनी टाइप डिस्कवर करें। बिल्कुल। लेकिन हम, बल्कि मैं, ये अच्छा आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेस किया, मैं कासिम अली शाह साहब से इसका रिक्वेस्ट करूंगा। बिल्कुल। कि सबसे पहले तो जो साइकोलॉजिस्ट हजरात हैं उनके लिए टाइप अवेयरनेस का सेशन हो, ताकि एटलीस्ट कि वो उनका तो डे टू डे इसी तरह से आप लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन जब तक आपको अपनी ही टाइप का नहीं पता, आपने अपने आप को एक्सप्लोर इस तरह से नहीं किया, आप कैसे दूसरों को गाइड कर सकते हैं भाई आप इस टाइप के हैं। आपको हैरत होगी, लास्ट मंथ पिछले महीने में भाई के साथ ही एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी लाहौर की थी, मैं वहां गया तो वहां की जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी वो मुझसे नाराज हो गई, कहने लगी कि आप क्या बातें कर रहे हैं, और ये तो बड़ी ये तो ट्रेड थ्योरी की एक्सटेंशन है। मैंने कहा यार ट्रेड थ्योरी की एक्सटेंशन नहीं है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि इतनी जहीन एक सीनियर प्रोफेसर वो ये बात कह रही हैं कि टाइप थ्योरी जो है वो ट्रेड थ्योरी की एक्सटेंशन है, बिग फाइव की एक्सटेंशन। तो मैंने कहा मैं इसका जवाब देना माजरा चाहता हूँ, इस नहीं दे सकता। लेकिन तो मेरा ख्याल है इस पे काम करना बहुत जरूरी मुझे है। ये अंदाजा हुआ कि एलीट्स पे जो सीनियर टाइप मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं उनको भी ये बेसिक नॉलेज देना जी बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे खुद बहुत सी चीजों का आइडिया हुआ, इवन ड्यूरिंग इंटरव्यू भी हमने बहुत सी मुझे ऐसी नई चीजों का पता चला, जो हालांकि मैं भी एक साइकोलॉजिस्ट हूँ लेकिन बहुत सी चीजों को जी बुक्स में थ्योरेटिकल जरूर है लेकिन जो प्रैक्टिकल इंटरवेंशन आप कहती है वो आप प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत जरूरी है स्पेशली हमारे यंगस्टर्स के लिए जो अपनी एक फील्ड में जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें होता है कि हम अपने आप को जाने, हम किस पर्सनालिटी के हैं, हम उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन चूज करें। तो ये बड़ा जरूरी है। देखिए प्रोफेशन चूज करना तो एक है एक्सटेंशन, यानी हमें हंसना बोलना तो आ जाए ना, हमें अपनों की अपनाइयत को पहचानना तो आ जाए। यहाँ तो माँ बाप बच्चों को पागल कर रहे हैं, यानी दोस्त को बीमार कर रहा है, मियां बीवी को टेंशन दे रहा है, यानी आप अपनों को नहीं संभाल सक रहे। तो नौकरी हो करियर तो बहुत आगे की चीज है, यानी आप अपने आप को तो चलें, दूसरों को छोड़ें, अपने आप को तो खुश रखें पहले। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है। हमें अपनी खुशियां नहीं पता कि हम कैसे खुश हैं। हमारे लिए खुशी का सर एलिमेंट है सिर्फ फाइनेंस, पैसे आ रहे हैं तो वो हमारी खुशी है लेकिन हम उस चीज को इंटरलिंक नहीं करते हैं। हमें सिर्फ वो लग रहा है कि हमारी जो ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं वो हमारी खुशी है, हालांकि इट डजंट लाइक दिस। उसके अलावा भी यानी पैसा तो एक जरिया है और पैसे के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बहुत खुशी दे सकती हैं। बिल्कुल। और जब हम इंसानों की मोटिवेशंस पढ़ते हैं, टाइप्स पढ़ते हैं, तो हर टाइप की अपनी मोटिवेशन है और पैसा किसी में भी नहीं आता। पैसे की यानी अशद जरूरत किसी टाइप को नहीं है, वो पैसों के बगैर बहुत ज्यादा हर टाइप खुश रह सकती है। पैसा तो एक हमने वो बना लिया एस्केप कि चले कुछ नहीं हो रहा तो पैसा मिल जाए तो मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। बिल्कुल, और ये बड़ा जरूरी है। थैंक यू सो मच सर, बल्कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें वो उन चीज़ों का बताया जो मेरा ख्याल है बहुत से ऑडियंस को उस तरह से आइडिया नहीं है, और जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं जो जानना चाहते हैं कि उनकी पर्सनालिटी टाइप कौन सी है। डिफरेंट सर के लेक्चर्स मौजूद हैं, सर आप हमें थोड़ा सा अपने वो वेबसाइट का भी बता दें ताकि जो लोग देखना चाहते हैं अपनी पर्सनालिटी को एनालिसिस करना चाहते हैं वो कर सकें। जी नहीं, आपका सवाल बहुत ज़बरदस्त है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बना दें कि लोगों को मुझ तक ना पहुँचना पड़े और लोग अपने बारे में और अपनों के बारे में और अपने जो सॉल्यूशंस हैं उनको नेट पे डिस्कवर कर लें। उसके लिए सीरीज़ ऑफ वेबसाइट्स तकरीबन तैयार हैं, वो एक्सेस हो सकती हैं, जैसे नो योर सेल्फ है, knowyourself.pk, उस पर आप जाके अपनी असेसमेंट भी कर सकते हैं और अपने बारे में जान भी सकते हैं। फिर नो योर कैरियर है, उस पर कैरियर सॉल्यूशंस हैं। फिर नो योर
पार्टनर है कि अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, नो योर किड्स है जिस पे जाके आप अपने बच्चों को समझ सकते हैं। फिर हमने पेरेंटिंग बाय टाइप और टीचिंग बाय टाइप पे भी वेबसाइट्स बना दी हैं ताकि टीचर्स अगर टीचिंग मेथडोलॉजी इम्प्रूव करना चाहें तो वो भी वेबसाइट्स पे जाके कर सकते हैं। तो फिर इसकी इंशाल्लाह एक्सटेंशन का भी प्लान है कि एप्लीकेशंस भी लाना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस हमारा तो ये है कि हम वीडियो जो है, बड़ी मेहरबानी है कासिम अली शाह साहब की कि उन्होंने हमें फुल फ्लेक्सिबिलिटी दी है, लिवरेज दी है कि आप वीडियो बना के हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करें कि हमारी रीच बहुत ज़्यादा है। तो हम इनके साथ काम करके हम वीडियो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं कि दुनिया भर में जो, लेकिन वो हम उर्दू में फ़िलहाल बना रहे हैं क्योंकि सर बहुत से लोग हैं जो, हम अगर लेमैन लैंग्वेज की इस वक्त बात करें, बहुत से लोग हैं जिन्हें आइडिया ही नहीं है इस चीज़ का। अब वो उस तरह से प्लेटफॉर्म्स देखते हैं पर समझ नहीं आता क्या वैलिड है क्या नहीं है, तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि लोग घर बैठे हुए अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा चारा नहीं है, देखिए ना, हम दुनिया के बारे में जान गए हैं, बिल्कुल अपने बारे में नहीं जानते हैं। यानी हमें अपनी गाड़ी के बारे में सब पता है, हमें कपड़ों के बारे में सब कुछ पता है, हमें सबसे कीमती चीज़ तो हम हैं और हमारे अपने हैं। बिल्कुल। अच्छा, पहले शायद ये इल्म आम ही नहीं था, तो किसी की भी किताबों में इतना डिटेल नहीं था। बिल्कुल। तो अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ एकेडमिक्स में ये किताबों में ये इल्म आ रहा है, लेकिन हमने कहा है कि हम इसको नेट पे इतना डाल दें कि हर बच्चा इसको एक्सेस करे और इससे भरपूर जो है फायदा उठा सके। सर बहुत अच्छा है, और बाकी वक्त हमारे पास लिमिटेड होता है लेकिन बातें इतनी होती हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सर। लास्टली मैं चाहूँगी कि एक पॉजिटिव मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। देखिए, मैं कुरान का अगर कोई उनवान होता ना तो वो इंसान होता। ये दुनिया अल्लाह ने बनाई इंसान के लिए बनाई है, इंसान के अलावा जितनी भी तखलीक हैं वो इंसान के लिए हैं। तो इंसान कीमती है, तो आप भी इंसान हैं और आपके अपने भी इंसान हैं, तो अपनी भी कदर करें और दूसरों की भी कदर करें, दूसरों को जज ना करें। देखें, हम जज वो कर सकता है जो पहचान ले, हम तो पहचानते ही नहीं हैं, हम तो अपने आप को नहीं पहचानते। तो आप भी बेहतरीन हैं, आपके अपने भी बेहतरीन हैं, वी ऑल आर बेस्ट बट डिफरेंट। पहले हमें अपने आप को और दूसरों को पहचानना मुश्किल था, अब नहीं है, तो अब ये एक्सक्यूज नहीं है। तो अपने आप को पहचाने, अपनों को पहचाने और जीना सीखें, जीना भी एक सीखने की। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात सर आपने की है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को जानेंगे नहीं, हम अपने अंदर वो मुस्बत रवैया नहीं लेकर आएंगे, हम अपने एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। आर्टिफिशियल। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर आपके वक्त। नहीं, आई एम सो ग्लैड आप लोगों का आपने इन्वाइट किया, और इंशाल्लाह आपके थ्रू ये मैसेज लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचेगा। I am so happy. Thank you very much. I'm really and thank you so much all of you. और मैं उम्मीद करती हूँ इससे मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और अगर कोई अपनी पर्सनालिटी जानना चाह रहा है जिस तरह से सर ने बताया, आप उसको सर के पेज पे जाके या डॉक्टर कमर वेबसाइट पे जाके भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।